हेलो पीपल, कैसे हैं आप लोग। मैं जा रही हूँ दिल्ली, बहुत ट्रैफिक है। मेरी फ्लाइट है कुछ 3:30 की एंड आई एम लिटिल लेट, बट आई होप आई विल रीच ऑन टाइम। एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग अपने अपने घरों के लिए जा रहे हैं। गॉट माई बोर्डिंग पास, आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई गेट और एज यूजल आई एम हंग्री, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए। कहते ना वो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, बहुत मुश्किल होता है इस मास्क के साथ में ट्रैवल करना। हंग्री AF, बहुत भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बिकॉज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है और अब तो लंच का टाइम हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ खा लूँ, अदरवाइज मैं फेंट हो जाऊँगी। चेक इन कर चुकी हूँ। लाइक जब दिवाली आसपास होती है, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चेक इन करने में। घर वालों के लिए ज़्यादा गिफ्ट्स नहीं ले जा रही हूँ, हम ट्रैवलिंग विल लाइट, बिकॉज एवरी टाइम क्या होता है मैं बहुत ज़्यादा सामान लेकर जाती हूँ, मुझे कैरी करने में लेकर जाने में बहुत दिक्कत होती है। स्टिल वेटिंग, अभी तक ऑर्डर लिया नहीं है, अभी जब ऑर्डर आएगा तो पता नहीं कितनी देर लगेगी। मैम ऑर्डर ले लेंगे प्लीज। आपका नाम बता दीजिए। हिमानी, बैठ जाइए ना, बुला लीजिए जी। तो मैंने ऑर्डर किया है एक इडली, एक वड़ा और एक मसाला डोसा विद बटर मिल्क। और अभी फ्लाइट में खाना वाना कुछ मिलने नहीं वाला है, सो आई थिंक मैं अपने लिए एक सबवे ऑर्डर कर लेती हूँ। क्या बोलते हो, सब भी ऑर्डर करके रख लूँ? कर लेती हूँ। तो मैं जल्दी से फिनिश करके फ्लाइट की तरफ भागती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हूँ। सो आई सी यू देयर। पेट पूजा हो गई, अब गेट की तरफ प्रस्थान किया जाए। फोन अलाउड नहीं है, तो मैं आपको दिल्ली में मिलती हूँ। बाय। मेरे घर वालों को आइडिया नहीं है कि मैं आ रही हूँ, उनके लिए सरप्राइज़ है। मैं मालूम नहीं है कि मैं आ रही हूँ फॉर दिवाली, बस देखना है घर वालों का रिएक्शन क्या होगा, स्पेशली मम्मी का, बिकॉज अभी दोपहर में जब बात हुई शी लाइक तेरे बिना बेटा दिवाली दिवाली नहीं है। मुझे जस्ट स्टारबक्स दिखा, मैं बस अपना लगेज लेकर कॉफ़ी पीऊँगी, बिकॉज कॉफ़ी की खुशबू बहुत टेंट कर रही है अभी। फाइनली मैं अपनी कैब में बैठ गई हूँ, कॉफ़ी को एंजॉय करते हुए। ये सफ़र और तय किया जाएगा, नहीं आगे हवा अलग होती है।
हिमांशु चावला। वेलकम टू हिमानीज़ व्लॉग। अपने घर के बाहर खड़ी हूँ, मम्मी को नहीं पता कि मैं आई हूँ। ऊपर चल के देखते हैं उनका रिएक्शन। मम्मी नमस्ते नमस्ते। आज मेरे नेफ्यू का बर्थडे है, सो ये सब इसके दोस्तों ने डेकोरेट किया है। तो उसकी फ्रेंड से हाय हाय हाय। तो ये सब डेकोरेशन इसके फ्रेंड्स ने किया है। आज वो 19 इयर्स का हो जाएगा, तो मैं उसके बर्थडे के पहले पहले आप पहुंच गई हूँ। मेरा भाई यार चल फिर शक्ल आई। हाय तो बोल, सबको पहले हाय बोल के जा। कौन है मेरे व्लॉग में आएगा ना? मोए मत डाल ले तू। कभी खुशी कभी गम। हमारे दिल से आई थी, जरूर आएगी। हमारे घर के बच्चों को अगर शांत करवाना हो तो ये तरीका है। दिखाओ शक्ल, गई है मेरी टॉर्चर बेटी है। ये बड़ी टॉर्चर, ये छोटी टॉर्चर। मैं भी अपने पापा को ऐसी टॉर्चर करती थी, अभी अपने पापा को ऐसी टॉर्चर। ये पापा है मेरा, नेफ्यू आ चुका है, उसको पता नहीं है मैं हूँ। उसी का बर्थडे। फोन गार्ड बड़े बड़े रह गए। हैप्पी गिर चुका है हमारा बर्थडे बॉय, खुद ही अपना हैप्पी ठीक कर रहा है। सो कैसा लगा बुआ का सरप्राइज? बहुत अच्छा। ये है मेरी एंजी पेंजी। एक्चुअली इसका नाम है प्रार्थना, लेकिन मैं इसको, हम लोग सब लोग इसको प्यार से एंजल बुलाते हैं और मैं इसको एंजी पेंजी बुलाती हूँ। हाय हाय। तो कैसा लगा बुआ का सरप्राइज? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? मजा आया? कितना मजा आया? बहुत ज्यादा। नाइस वे? हाँ। कितना? बहुत ज्यादा। कितना? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। इसी के साथ हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सो फिर अब क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, वरना जो आपका स्वाद है वो सर्व प्रिय होगा। लव एंड पीस।